गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अधिकारियों को धमकी देने वाले बयान को लेकर कहा कि कमलनाथ के पास अब इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है, इन धमकियों से कोई प्रभावित नहीं होने वाला है। कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर उन्होंने कहा, कांग्रेस के पास उनका अपना प्रत्याशी तक नहीं है, सब बाहर के दल से आए हुए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ ने जो अधिकारियों को धमकी दी है उसको लेकर कहा कि जो लोग सही कार्य कर रहे हैं वे करते रहें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कमलनाथ सरकार में थानों की बोलियां लगती थी, एसडीएम और टीआई के ऑफिस नीलाम होते थे। कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में केवल दल बदलू नेता हैं, कांग्रेस का खुद का कोई प्रत्याशी नहीं है। जब पूरी सूची जारी होगी एक दर्जन से ज्यादा बाहर के होंगे। मुंह चलाने वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कमलनाथ ठीक बोलते हैं, उन्होंने 15 महीने मुंह ही तो चलाया है, हम सरकार 15 साल से चला रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों को धमका रहे हैं, बिल्ले लगा के काम कर रहे हैं। अब यही बचा है कमलनाथ जी के पास, बाकी तो कुछ बचा नहीं। और ये भी उन्हें ध्यान रहे कि इन धमकियों से कोई प्रभावित होता नहीं, जो सही काम कर रहे हैं वो सही काम करते रहेंगे। क्योंकि उनके समय में इस तरह का होता रहा, अधिकारियों के थानों की बोलियां लगती थी, नीलाम होते थे एसडीएम के ऑफिस, टीआई के ऑफिस, वही भ्रम में बोल गए। अरे वही आओ, दल बदलू लोग ही तो हैं उनके पास में, कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी? कहीं नहीं, डबरा में जो प्रत्याशी है वो भाजपा से आया हुआ है, बमोरी में जो प्रत्याशी है वो भाजपा से आया हुआ है, आधा दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी वो ही है। और जब पूरी घोषित होगी तो एक दर्जन से ऊपर प्रत्याशी वही होंगे जो बाहर के दलों से होंगे। हम कल भांडेर में गए थे, भांडेर के प्रत्याशी तो अनेक दलों का अनुभव रखते हैं, अनेक पार्टियों का अनुभव है। दरअसल कांग्रेस के पास वहाँ कार्यकर्ता बचे नहीं है, ग्वालियर चंबल अंचल में वहाँ उनके पास प्रत्याशियों का टोटा है। तो जो प्रत्याशी है अब उसको वो जो मांगते हैं उसे बना देते हैं, तो जो बचे हैं तथाकथित उनको तकलीफ हो जाती है। सरकार चलाने में और मुंह चलाने में अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो नहीं चला पाए वो। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, चक्की हमारा बारीक पीसती है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, सरकार चलाने में और मुंह चलाने में अंतर है। हम चला रहे हैं देखो 15 साल से, वो 15 महीने नहीं चला पाए, सच बात है, मुंह चलाने में अंतर है। खजाना खाली कमलनाथ जी का था, हमने कब का खजाना खाली है? हमने कभी नहीं कहा। और ये किसने कहा कि हमारी घोषणाएं झूठी हैं? घोषणा झूठना है उनने की जो कर्जा माफी का कहा था, हम तो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।